Uh, so hello everyone, I welcome you all to Let's Crack UPSC SE. So in today's the Hindu session, uh, Sunday का जो session है उसकी timing थोड़ी flexibility होती है और आज के uh, जो topics हैं that we are going to discuss कई सारे जो topics हैं जो आज हम लोग discuss करेंगे uh, basically all these topics are related with science and technology. तो science and technology, geography और इन सबसे related है और काफ़ी important और ultimate topics हैं और आज के जो एक इम्पॉर्टेंट और टॉपिक आपके लिए फ्रेम होता है वो है जो क्लाइमेट चेंज कंटीन्यूस पेसिस में और उसके क्या इम्पैक्ट हो दो चार लाइन में मेन्शनड है तो देखेंगे जो कंसेप्ट है जैसे हाइब्रिड इम्यूनिटी एक टर्म आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हर्ड इम्यूनिटी ठीक दिस टर्म यू यूज जनरली हर्ड इम्यूनिटी ये बहुत बार है और बहुत समय से न्यूज़ में भी है हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है हाईब्रिड इम्यूनिटी क्या है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस वट बेसिकली इज हाइब्रिड इम्यूनिटी एडाप्टिव प्लास्टिसिटी ये टर्म है ये भी आज के पेपर के अंदर है सो एडाप्टिव प्लास्टिसिटी का कंसेप्ट क्या होता है ये डिस्कस करेंगे ये इस सब इसमें प्रिलिम्स का क्वेश्चन इसमें प्रिलिम्स का क्वेश्चन है हीम थ्री कैसे अर्थ के कोर्स से रिलीज हो रहा है ये एक टॉपिक आपका बन जाता है तो दिस इज ऑल्सो प्रिलिम्स रिलेटेड टॉपिक ओनली हॉर्स शो बैट के बारे में डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज और इसका इम्पैक्ट है और आ, 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 आई थिका ये क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड तो अगेन दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड ज़्यादा टॉपिक आपके प्रलेंस स्पेसिफिक है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो स्पेशल इशू है वो आपका पब्लिश होता है मंडे टू सैटरडे जो सेशन की टाइमिंग है वो आप सभी को बताया दैट इज़ अराउंड सिक्स थर्टी एम से आपका शुरू होता है लेकिन संडे uh, को जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा फ्लैक्सीबल रहती है है ना uh, बारह बजे तक आपका सेशन जो है वो स्टार्ट होता है ट्वेल्व पी एम को जो सेशन है दैट सो दिस सेशन इज प्रजेंटेड बाई मी माई इज सौरभ पांडे करंट uh, अफेयर्स के लिए अनकेडमी पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं अप्रैल सेवन से ये कोर्स शुरू हो रहा है अप्रैल सेवन से uh, आपकी टाइमिंग ये वन पी है तो इस कोर्स को आपको मिस नहीं करना है अगर आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं अन अकेडमी से जुड़ने के लिए यूज़ द कोड एस पी एल आई वी ई तो लगभग हम लोग डेढ़ साल के ऑलमोस्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे जैसे पूरे जो भी टॉपिक्स आपके चल रहे हैं तो अगर आपने पहले से कवर नहीं किया तो इस कोर्स को आपको जरूर से ज्वाइन करना है तो आज जैसे थर्ड है फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ तीन चार दिन के अंदर है और दो दो घंटे की क्लास होगी और लगभग ट्वेंटी ट्वेंटी वन क्लासेस में आपका हो जाएगा टेस्ट सीरीज आप ज़रूर से ज्वाइन करें अन एकेडमी के अंदर जिसमें अन एकेडमी जो लाइट है प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज़ है और यहाँ पे टॉप एजुकेटर के द्वारा बनाई गई कंप्लीट सिलेबस का कवरेज है इन डेप्थ एनालिसिस है लगभग फिफ्टी थाउजेंड इनरोलमेंट भी है और कोड जो यूज़ करना है दैट इज़ एस पी एल आई वी इस कोड का इस्तेमाल करके आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं इंटरव्यू प्रोग्राम अकेडमी का जो इंटरव्यू प्रोग्राम है उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं जब आप ज्वाइन करते हैं जैसे एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच असाइन होते हैं जब आप ज्वाइन करते हैं तो सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हैं इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं सभी को जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं सो लेट स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक दिस इज़ रिलेटेड विथ इम्यूनिटी इम्यूनिटी से रिलेटेड बहुत सारे जो टर्म हैं कंसेप्ट है उस पर प्रश्न पूछे गए हैं और रिसर्च uh, जो है नई नई आपकी आती है तो इसी समय इसी कंटेक्सट में एक टर्म आपका है दैट इज़ हाइब्रिड इम्यूनिटी वट बेसिकली इज़ हाइब्रिड इम्यूनिटी इसका कंसेप्ट है सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वट इज़ हाइब्रिड इम्यूनिटी आखिर हाइब्रिड इम्यूनिटी हाइब्रिड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है ठीक है तो ये टॉपिक लाइक वी वी विल डिस्कस तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो आपका इशू है जो आप सभी को पता है जो संडे का सेशन होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्पेशल इशू द हिंदू का पब्लिश होता है और उसमें भी आपको पूरा पेज को नहीं पढ़ना है आपको ये भी देखना है कि कहाँ से क्या टॉपिक निकल कर आ रहा है जिस पर प्रश्न फ्रेम हो सकता है सो so, इस टॉपिक से एक टर्म जो निकल कर आ रहा है वो है हाइब्रिड इम्यूनिटी हाइब्रिड जो इम्यूनिटी है उसके बारे में सो so, कई स्टडी हुई हैं और इस स्टडी में कई पॉइंट्स हाईलाइट किए गए इवन जो पर्सन इन्फेक्टेड है Uh, कोई भी पर्सन अगर इन्फेक्टेड है पहले जैसे सार्स यू वी टू या कोरोना से वो पर्सन पहले इन्फेक्टेड हुआ है और फिर वो वैक्सीनेशन की तरफ जाता है अंडर दैट कंसिड्रेशन ऑल्सो उसकी जो इम्यूनिटी है वो इंक्रीज़ होगी उसकी जो कैपेसिटी है टू फाइट विथ कोरोना दैट विल इंक्रीज़ सो uh, so ये स्टडी है इसी स्टडी के कंटेक्सट में हाइब्रिड इम्यूनिटी आपकी न्यूज़ में आ जाती है सो so, इसे हम सुपर ह्यूमन इम्यूनिटी भी कहते हैं और इसे हम हाइब्रिड इम्यूनिटी भी कहते हैं सो वेन यू आर वैन यू आर आस्ट अबाउट हाइब्रिड इम्यूनिटी इट इज़ आल्टरनेटिवली इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए सुपर ह्यूमन इम्यूनिटी इस चीज़ को सुपर ह्यूमन इम्यूनिटी भी कहा जाता है ऑल्सो कॉल्ड ए सुपर ह्यूमन इम्यूनिटी सो दोनों टर्म जो है वो सेम है बोथ आर सेम सुपर ह्यूमन इम्यूनिटी और हाइब्रिड uh, इम्यूनिटी दोनों जो है वो सेम है और व्हेन यू टॉक अबाउट दिस दिस इम्यूनिटी तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें इन्वॉल्ड रहती हैं एक तो नेचुरल इन्फेक्शन हाइब्रिड में जब हम बात करते हैं तो एक तो नेचुरल इन्फेक्शन है और दूसरा है आपका वैक्सीनेशन दोनों चीज़ें आपकी इन्वॉल्व रहती है तो वन इज़ नेचुरल इन्फेक्शन जैसे अगर कोई सार्थ यू वी टू से uh, जो है इन्फेक्ट हो जाए सार्थ यू वी से इन्फेक्ट हो जाए तो वो नेचुरल इन्फेक्शन आपका है सो so, एक तो नार नेचुरल इन्फेक्शन है अगर वो उससे रिकवर करता है तो उसके शरीर के अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ जो है वो डेवलप आपकी हो जाती हैं तो एक तो नेचुरल इन्फेक्शन और दूसरा वैक्सीनेशन के थ्रू जो इम्यूनिटी इन्हांसमेंट होती है तो ये दोनों जब दोनों का इम्पैक्ट होता है तो इसमें फिर आपकी देन यू विल हैव अ हाइब्रिड इम्यूनिटी तो हाइब्रिड इम्यूनिटी में दोनों चीज़ें रहती हैं नेचुरल इंड्यूस्ड इम्यूनिटी भी होती है और वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी दोनों टर्म आपको याद रखना है कि इन हाइब्रिड इम्यूनिटी बोथ नेचुरल इंड्यूस्ड इम्यूनिटी और वैक्सीन इंड्यूस्ट इम्यूनिटी दोनों इंक्लूडेड आपके रहते हैं नेक्स्ट इज अबाउट द इोल्यूशन दूसरा जो टर्म है दिस इज रिलेटेड विद द इवोल्यूशन देखो जब इवोल्यूशन की हम बात करते हैं विन यू टॉक अबाउट ईवोल्यूशन ईवोल्यूशन पर बहुत सारी स्टडी ऑलरेडी पब्लिश हुई है एक टर्म हम लोगों ने डिस्कस uh, किया था अभी कुछ समय पहले ही एडाप्टिव ट्रैकिंग अगर आप लोग को याद हो तो मैंने आपको एक टर्म पढ़ाया था एडाप्टिव ट्रैकिंग के बारे में इट वॉज रिलेटेड विथ ई इवोल्यूशन। इसी पेपर के अंदर ही आया था तो वी हैव डिस्कस्ड दैट टर्म अब देखो क्या है कि कोई भी जैसे जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये जो इवोल्यूशन है इसमें जीन्स का रोल बहुत होता है और जैसे ये जो डीएनए एन है जैसे आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये जो डीएनए एन है डी के से जो सेगमेंट्स होते हैं उनको हम जीन्स कहते हैं जो डीएनए एन है डी के ऊपर जो सेगमेंट्स होते हैं वी कॉल द मेज जीन्स और ये जो जीन्स है इन जीन्स के अंदर सडन चेंजेस आपके होते रहते हैं जो सडन चेंजेस आपके होते रहते हैं उनको फिर हम क्या कहते हैं वी कॉल द मेज म्यूटेशन सो इवोल्यूशन के प्रोसेस में अगर बाहर एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो उस एनवायरमेंट uh, जो चेंज आपका हो रहा है उसमें अगर किसी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना है तो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को चेंज करना पड़ेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट तो इसी को हम इवोल्यूशन, वी कॉल देम एज पॉइंट ये है कि इवोल्यूशन का इवोल्यूशन का पेस क्या है जो स्पीड है वो क्या है अगर तुरंत एनवायरनमेंट जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तुरंत एनवायरनमेंट बदल रहा है तो क्या इसी तेजी से जो स्पीशीज़ है वो भी चेंज हो रही हैं कि नहीं हो रही अब अगर ह्यूमन की बात करें तो मे भी उनमें नहीं होगा लेकिन उनमें भी बहुत इम्पैक्ट अब हम हमें स्टडी करना है कि जो ये टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ आपका हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इवन ह्यूमन एम्ब्रियो पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस पर भी स्टडी हमें करना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि दूसरी जो स्पीसीज़ हैं उनके अगर हम एम्ब्रेज़ की बात करते हैं जैसे फिर बच्चा बनता है तो जैसे आप रेप्टाइल्स ही ले लो जैसे क्रोकोडाइल का ले लो या लिजर्ड ले लो ऐसे कई स्पीसीज हैं तो उनमें टेम्परेचर बेसिकली डिसाइड करता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन जैसे मान लो जो अंडा है उसके अंदर वो uh, मतलब मेल बनेगा या फीमेल बनेगा दैट इज़ डिसाइडेड बाय द टेम्परेचर आउटसाइड टेम्परेचर अब ये जो आउटसाइड टेम्परेचर अगर इन स्पीसीज़ को इंपैक्ट कर रहा है तो ह्यूमन को कैसे इंपैक्ट करेगा ह्यूमन पर कैसा इंपैक्ट एम्ब्रियो का होगा क्या वो सेक्स सिलेक्शन में भी उसका रोल होता है कि नहीं होता अब ये सब स्टडी की चीजें हैं अब इसमें क्या रिसर्च कहती है क्या नहीं कहती है वो एक अलग बात है बट रिसर्च करना जरूरी है दूसरा आउटर इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज की वजह से चेंज हो रहा है तो क्या तुरंत जो है इवोल्यूशन हो रहा है तुरंत जो है आपका इवोल्यूशन कंटिन्यूस बेसिस पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस पर भी जो है वो स्टडी करना बहुत मैटर जो है कंटिन्यूस बेसिस पर जो स्टडी करना बहुत जो है जरूरी आपका हो जाता है तो उस पर भी कई सारे जो डिफरेंट आस्पेक्ट है वो देखना जरूरी है तो यहाँ पर इवोल्यूशन का जो ये प्रोसेस है इस पर लगातार स्टडी आ रही है और इसी में एक टर्म हम लोग आज डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ एडाप्टिव प्लास्टिसिटी वट बेसिकली इज एडाप्टिव प्लास्टिसिटी एडाप्टिव प्लास्टिसिटी का जो कंसेप्ट है वो आ, क्या होता है तो यहाँ पे जैसे एक एक फ्रूट फ्लाई होता है जिसे हम कहते हैं ड्रोसोफाइला मेलानोगैस्टर ड्रोसोफाइला ड्रोसोफाइला मेलानोगैस्टर ये क्या है ये एक तरीके का फ्रूट फ्लाई uh, है जैसे ये पिक्चर आप देख रहे हो दिस इज अ दिस इज ड्रोसो फेला मेलानोगस्टर uh, तो कई प्रकार की जो स्टडी uh, है और उसमें हाईलाइट किया जा रहा है ये हाईलाइट किया जा रहा है कि जो पेस है चेंज का वो बहुत तेजी से जैसे जैसे एनवायरनमेंट uh, बदल रहा है वैसे वैसे जो है uh, जो इवोल्यूशन का है या जो नॉर्मल चेंजेस हैं उसमें कई ऐसी स्पीसीज हैं उनमें जो चेंजेस हैं वो भी कंटिन्यूस बेसिस में हो रहा है और सारा का सारा जो इवोल्यूशन है वो पूरे तरीके से जो हम ये मानते थे कि हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन इन्वेजन या पॉल्यूशन की वजह से ही ये सारे इवोल्यूशनरी चेंजेस आपके हो रहे हैं ऐसा नहीं है और भी कई चीज़ें रिस्पॉन्सिबल जो है वो इसके लिए हैं तो इवोल्यूशनरी चेंजेस हैपन क्विकली एंड रिसर्चर्स जो है Uh, उसको आप रियल टाइम ट्रैक कर सकते हैं इट मीन्स इवन कई ऐसी कीड़े हैं जिनमें ये देखा जा सकता है कि आउटर इन्वायरमेंट में बदलाव हुआ और ये कैसे अपने आप को बदल रहे हैं कैसे अपने आप को चेंज कर रहे हैं इस चीज़ को नोटिस किया जा रहा है हाउ दे आर इवॉल्विंग दैमसेल्स तो उस चीज़ को नोटिस किया जा रहा है जो सा, जो साइंटिस्ट हैं वो रियल टाइम उसको नोटिस भी कर सकते हैं अब यहाँ पर एक टर्म जो uh, निकल कर आता है दैट इज़ एडाप्टिव प्लास्टिक अब देखो कई सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसको ध्यान समझना कई कंटेंट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं लेकिन अगर एनवायरनमेंट की बात करते हैं वेन यू टॉक अबाउट एनवायरनमेंट तो जो एनवायरनमेंट है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं अलग अलग मान लो एक एनवायरनमेंट ई वन है दूसरा एनवायरनमेंट ई थ्री है तीसरा इन्वायरमेंट ई है तो अलग अलग इन्वायरमेंट है यहाँ पर टेम्परेचर मान लो थोड़ा कम है यहाँ और कम है यहाँ और ज़्यादा बहुत ज़्यादा है ह्यूमिडिटी अलग है इस तरीके वेजिटेशन डिफरेंट है तो डिफरेंट डिफरेंट है इन्वायरमेंट है तो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म इस एनवायरनमेंट में अलग तरीके से रेस्पॉन्स करे, करेगा इस एनवायरनमेंट में अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा इस एनवायरनमेंट में अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करेगा कोई ऑर्गेनिज्म अगर इस एनवायरनमेंट में अपने तरीके ग्रो किया है अब अगर उसे इस एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाए या इवन ई टू की तरह हो गया या ई टू की तरह हो गया तो उसमें क्या होगा कि अगर वो इवॉल्व नहीं करता ऑर्गेनिज्म तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव तो यहां पे क्या है ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड टू डिफरेंट एनवायरमेंट बाय चेंजिंग हाउ दे एक्ट लुक और फंक्शन व्हेन दीज रिस्पॉन्स इंप्रूव द चांस ऑफ सर्वाइवल वी कॉल देम मे प्लास्टिसिटी ये टर्म आपको याद रखना है तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा है और वो सरवाइव कर रहा है इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट इट मींस उसने अपने आप का अपने लुक अपने फंक्शन अपने जो कार्य हैं जो उसके एक्ट है उसको उसने चेंज किया है और अपनी जो फिटनेस है आ, आउटर एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए उस फिटनेस को उसने इम्प्रूव किया है तो ये जो टेंडेंसी है ऑर्गेनिज्म की इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट इसी के लिए एक टर्म यूज़ होता है दैट इज़ एडाप्टिव प्लास्टिसिटी आई होप ये आपको समझ में आया होगा और ये जो एडाप्टिव प्लास्टिसिटी है इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं कई प्रकार के जो जैसे मान लो कुछ जीन्स प्रेजेंट है डीएनए है डीएनए के अंदर जीन्स प्रेजेंट है अब आउटर एन्वायरमेंट में है ना उसमें सरवाइव करने के लिए कुछ जीन्स जो हैं वो शरीर के अंदर है उसमें म्यूटेशन हो सकता है फिर नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से वो जीन्स को ही सेलेक्ट किया जा सकता है और वो धीरे धीरे फिर वही जींस ऑर्गेनिज्म का हिस्सा बन के और फिर ऑर्गेनिज्म को चेंजिंग एनवायरमेंट में वो सर्वाइव करवाती हैं तो ये जो टर्म है ये आपको याद रखना वाट बेसिकली इज़ एडाप्टिव प्लास्टिसिटी ठीक है ये टर्म दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ना वी नीड टू नो वट इज एडाप्टिव प्लास्टिसिटी नेक्स्ट एक रिसर्च आपके सामने आई है ये रिसर्च है जो अर्थ का कोर है इससे रिलेटेड है और हीलियम थ्री इससे रिलेटेड है तो यहाँ पे जो आपका हीलियम थ्री है ये जो हीलियम थ्री बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट द हीलियम थ्री ये हीलियम थ्री कैसे डिटेक्ट हो रही है कहाँ से ये आ रही है इस पर एक बहुत अच्छा कुछ फैक्टर्स इसमें दिए गए हैं ये अगर आप देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट रिसर्च बन जाती है और इसको भी हमें जो है जानना चाहिए तो हीलियम थ्री की जब हम बात करते हैं अगर वेन यू टॉक अबाउट हीलियम थ्री तो हीलियम थ्री जो है ये मेजर किया जाता है अर्थ सर्फेस के अंदर इज़ रिलेटिवली स्मॉल क्वान्टिटी तो अर्थ सर्फेस में ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में आपका प्रेजेंट है और साइंटिस्ट इसके बारे में ज़्यादा पता है नहीं है लेकिन साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ मच वॉज लीकिंग फ्रॉम द अर्थ कोर ये लगातार जो है स्टडी की जाती है अर्थ के अंदर भी कई आपके जैसे लेयर्स होती हैं जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो अर्थ के अंदर भी डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट आपकी होती हैं जो इनर लेयर है वो आपका कोर हो गया उसके ऊपर आपका मेंटल हो गया फिर आपका क्रस्ट हो गया तो डिफरेंट आपके हैं तो यहाँ जो अर्थ का कोर है ये जो कोर अर्थ का कोर है ये अर्थ के कोर से ये जो कोर दिख रहा है यहाँ से जो हीलियम है वो रिलीज़ होती है मतलब हीलियम यहाँ पे लार्ज अमाउंट में आपका प्रेजेंट तो कई सारे जो साइंटिस्ट हैं वो बार बार इस बात पे हाईलाइट करते हैं कि अर्थ का जो कोर है वो भी एक मेजर सोर्स है हीलियम त्रिका अब ऐसा नहीं है कि अर्थ का कोर मेजर अर्थ के कोर तक हम पहुँच गए और वहाँ से हीलियम निकाल रहे हैं वो एक देखने वाली बात है देखो बार बार आई हैव ऑल्सो शेयर्ड माई ओपिनियन रिगार्डिंग दिस कि देखो अर्थ जो है ये पूरा अर्थ है अब इस अर्थ को आप ये समझने की कोशिश करो कि पूरा अर्थ एक बीच में लटका हुआ है मतलब यूनिवर्स के अंदर ये लटका हुआ है कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं चाहे वो ग्रेविटेशनल एस्पेक्ट हो या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस वजह से अर्थ एक पोजीशन पे प्रेजेंट है वो रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट जो है अपना ऑर्बिट मेंटेन कर एक सर्टन एंगुलर मोमेंटम मेंटेन कर रही है अर्थ अब इसमें बहुत से फैक्टर्स मास का फैक्टर भी है अर्थ की डेंसिटी अर्थ का वॉल्यूम कई चीजें हैं जिस बेसिस पर वो अर्थ वहां पे एक प्रेजेंट है अगर हम हर चीज को चेंज कर दें अब ये साइंटिस्ट के ओपिनियन है कि पर क्या है? अगर हम हर चीज़ को कर ले मान लो इसमें कोई आ, आ, जैसे अगर आप जैसे मान लो कोई एक बाल्टी का पानी है और उस बाल्टी के पानी के अंदर आप जैसे अगर बाल्टी का पानी है उस बाल्टी के पानी में अगर आप एक ऐसी चीज़ को डाल दो मैं लोहा डाल दो तो वो क्या है वो नीचे डूब जाएगा लेकिन अगर आप एक लेदर की बॉल डाल दो प्लास्टिक की बॉल डाल डाल दो तो वो क्या करेगी वो उस डूबेगी नहीं वो ऊपर की ही जो है ऊपर ही प्रेजेंट रहेगी कई ऐसी है ना तो ये क्यों ऐसा होगा क्योंकि उसका नेचर है बॉल का इस तरीके का कि वो नीचे डूबेगा नहीं तो यहाँ पर भी अर्थ कहाँ पर प्रेजेंट पानी नहीं है वाटर नहीं है बट एक स्पेस के अंदर अर्थ प्रेजेंट है अगर अर्थ की मास या डेंसिटी या जो भी चीज़ें अगर उसमें बदलाव होता है सो जो अर्थ की पोजीशनिंग है उसमें चेंज होगा कि नहीं होगा ये सोचने वाली बात है अभी इसमें भी जो साइंटिस्ट जैसे हम सारे रिसोर्सेज को निकाल लें तो हर चीज़ का यूटिलाइज हम जो है वो पूरे तरीके से कर डालें आ, अर्थ के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस पर आ, जिस जिस पर अर्थ की अर्थ का जो आ, मास आस्पेक्ट है वो आ, डिपेंड करता है तो अब आ, इसका जो फैक्टर तो मतलब ये हम नहीं सोच सकते हैं कि अर्थ के अगर कोर के अंदर हीलियम प्रेजेंट तो अब अर्थ के

तो ये जो क्लाउड है डस्ट क्लाउड है धीरे धीरे यही आपके स्टार का रूप लेते हैं तो इन्हीं को हम नेबुला शब्द इनके लिए इस्तेमाल करते हैं तो अगर कोई चीज कोर है कोर का मतलब उसका फॉर्मेशन सबसे पहले हुआ फिर धीरे धीरे उसके ऊपर जो है लेयरिंग हुई है जैसे अगर आप देखोगे पेस्ट्री खाते हो तो कई पेस्ट्रीज ऐसी होती हैं कि उसमें लेयरिंग होती है जैसे नीचे वेनीला ऊपर चॉकलेट और फिर ऊपर तीसरा कुछ ऐसा लेयर तो पहले अगर सबसे नीचे अगर आपको उसको बनाना तो सबसे पहले नीचे वाली लेयर बनेगी फिर ऊपर फिर ऊपर ऐसी अर्थ का जो कोर है तो कोर है फिर मेंटल है फिर क्रस्ट है। इस तरीके से अलग अलग लेयर्स बनती है तो कोर के अंदर अगर हीलियम इट मीन्स क्या कि जब सन जब ये अर्थ बनी होगी तो यूनिवर्स के चारों तरफ हीलियम जैसा कुछ प्रोडक्ट रहा होगा जो कि आके कोर से जाके लग गया या है ना जो कि अभी भी वहां पे प्रेजेंट है तो ये कहा गया कि ये भी हमें हाईलाइट करता है कि जो सोलर नेबुला था उस समय पे हो सकता है उस समय ह्यूज अमाउंट जो जो सोलर नेबुला था क्लाउड ऑफ गैस था उसमें हीलियम आपकी प्रेजेंट रहेगी लेकिन जो हीलियम है वन ऑफ द अर्लीएस्ट एलिमेंट प्रोड्यूस्ड इन द यूनिवर्स हीलियम ये इसलिए कहा गया क्योंकि अगर आप इवोल्यूशन के प्रोसेस की बात करें तो हीलियम को कहा गया कि वन ऑफ द अर्लीस्ट एलिमेंट है जो कि यूनिवर्स के अंदर ये प्रे, प्रेजेंट है और इवन जो बिग बैग थ्योरी है जो बिग बैंग हुआ एक बड़ा एक्सप्लोशन हुआ पहले जैसे कहा जाता है ना कि पहले सब कुछ एक यूनिट था फिर एक बड़ा एक्सप्लोशन हुआ और फिर अलग-अलग जो यूनिवर्स है वो आपका ऐसा एक्सपेंड होना शुरू किया और आज भी यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रहा है तो वो उस समय के दौरान भी हीलियम आपका जो है वो प्रेजेंट है हाई कंसंट्रेशन ऑफ हीलियम थ्री डीप इन द कोर अर्थ वुड हैव हैड टू फॉर्म इनसाइड अ थ्राइविंग सोलर जो पॉइंट्स मैंने आपको हाईलाइट भी क्या है तो ये क्या है ये जो हीलियम का प्रेजेंस है अर्थ के कोर के अंदर ये भी कई पॉइंट्स हाईलाइट करता है ये कई इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है कि अर्थ का जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से जो है वो हुआ था ठीक है अर्थ का जो इवोल्यूशन है या प्रोसेस वो किस तरीके से हुआ है अब ये जो देख रहे हो ये आप देख लो ये, ये इसको बैट कहते हैं ठीक है तो ये इसका ये देखो ये सो रहा है ठीक है ये देखो ये इसकी आँखें हैं ये सो रहा है ठीक है ये इसका नो ये, अच्छा ये नोज़ है ये माउथ है ये ठीक है ये उल्टा सोता है ठीक है ये उल्टा जो है ये आपका सोता है तो आ, ये आ, बेसिकली अगर देखोगे ये बैट्स के ऊपर है छोटी सी रिसर्च है और इसमें जो रिसर्च आपकी हाईलाइट कर रही है कि यहाँ पे आ, जो अन नोन स्पीसीज ऑफ हॉर्शू बै, बैट है वो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर प्रेजेंट है अब कई स्टडी इन पर होती जा रही है और इनमें बहुत सारे जो वायरस से प्रेजेंट होते कुछ समय पहले एक रिसर्च आई थी और उसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया था हिंदू के अंदर ही है और जी से रिपोर्टर जो है उसमें भी हमने कवर इसको किया था तो वहाँ पे अगर आप देखोगे ठीक है ठीक है तो ये आपको ये ध्यान में रखना है कि आ, राइनो राइनोलोफिडाई फैमिली ऑफ बैट्स ठीक है राइनोलोफिडाई फैमिली ऑफ बैट्स जो है दे आर कंसिडर्ड टू बी द रिजर्व देखो ये जो हॉर्सू बैट है वो जिस फैमिली से बिलोंग करता है दैट इज़ राइ राइनोलो फिडाए फैमिली ठीक है जिस फैमिली से बिलोंग करता है ये रा, 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 राइनोलो फिडाए जो फैमिली है उससे ये आपका बिलोंग Uh, करता है और इसमें बहुत सारे जो वायरस हैं वो आपके प्रेजेंट है तो हॉर्स शू बैट की अगर बात करें तो ये स्मॉल बैट्स आपके होते हैं बिन की इतनी लेंथ होती है और ये सब चीज़ें हैं तो वो दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट लेंथ के हिसाब से अब इसका जो नोज़ होता है उस हॉर्स शू की तरह होता है जो नोज लीफ है तो वो हॉर्स शू की तरह होता है इसलिए इसे हॉर्स शू बैट कहा जाता है एकको लोकेशन मतलब साउंड uh, वेव्स जो है वो uh, छोड़ी जाती हैं फिर टकरा के वापस आती है तो वो डिस्टेंस टाइम कैलकुलेट करते हैं कि कितना टाइम लगा उसको उस हिसाब से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ये एक नेचुरल टेंडेंसी जो बैट्स के अंदर प्रेजेंट जो है वो होती है ऐसे और में नहीं प्रेजेंट होती मतलब जो है लोकेशन पर नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं चाहे वो बैट्स हो या हो या शार्क हो तो ठीक है तो वो है तो उसके बाद क्या है कि जो हॉर्सो बै, बै, बैट्स से इनका बहुत सारे मतलब ये डिजीज तो हैं मतलब डिजीज एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनी वायरस और इन सबका है ही तो डिजीज़ स्प्रेड करने में रोल है फूड के रूप में और ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है इवन ये कहा गया कि जो सार्स कोरोना चाहिए कोरोना वायरस है उस, वो भी इसमें आपका कई उसमें प्रेजेंट था और ये जो आ, बैट है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ कुछ जो स्पीसीज हैं वो आ, नेपाल इंडिया वेतनाम सेनेगल है ना जहाँ क्योंकि इन जगहों पे ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है तो ये आ, भी आपकी पॉइंट्स आपको देखना है नेक्स्ट है अबाउट द क्लाइमेट चेंज अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ में लगातार जो क्लाइमेट है उसमें बदलाव होता जा रहा है कंटीन्यूस बेसिस पर जो है वो आपका बदलाव uh, जो है वो कंटीन्यूस बेसिस पे uh, हो रहा है ठीक है तो मोर लैंड क्लाइमेट चेंज कु हैव लैंड मोर लाइकली Happen. तो यहाँ पे देखो क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे हो रहा है जलवायु परिवर्तन जैसे जैसे हो रहा है अब अगर आप स्टडी देखो तो स्टडी जैसे हमने एक टॉपिक भी डिस्कस किया था कि अभी मार्च के महीने के अंदर क्यों इतना हाई टेम्परेचर था तो इस पर लानीना फैक्टर्स था एंटार्टिका के अंदर कैसे आर्टिक रीजन के अंदर कैसे बदलाव जो हो रहा है तो उसको हम लोगों ने स्टडी किया तो क्लाइमेट चेंज जो है मतलब किसी जगह का प्रिवलेंट क्लाइमेट है उस पर बदलाव हो रहा है तो उसमें कंटिन्यूस जहाँ पे बदलाव हो रहा है कभी भी बारिश कभी भी जो है ड्रॉट की सिचुएशन कहीं पे आ, जो है रेनफॉल कहीं पे एक्सट्रीम रेनफॉल कहीं पे एक्सट्रीम ड्रॉट कोई भी इवेंट एक्सट्रीम हो रहा वाइल्ड फायर तो ये सब क्या है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा तो लैंड ला, स्लाइड्स और अधिक होंगे क्योंकि देखो कोई रीज़न है वहाँ वेजिटेशन तो पूरा आपने काट दिया एकदम एक्सट्रीम रेनफॉल हुई सॉइल जो है पानी से सेचूरेट हो जाएगी और जब भी मौका मिलेगा तो पूरा का पूरा जो पानी से सेचुरेटेड सॉयल है वो नीचे आके गिरेगी तो रेन जो है इट रेड्यूसेज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल टू पॉइंट वेयर इट फेल्स एंड स्लाइड्स वाइल्ड फायर की बात करें तो जैसे मान लो सूखा पड़ा सूखा पड़ने से क्या है पूरा का पूरा आ, इसको ध्यान समझना ठीक है तो यहाँ पे जैसे सूखा पड़ा पूरा जो वेजिटेशन वो सूख गया और एक्सट्रीम डॉट की सिचुएशन अब वहाँ वेजिटेशन छोटा छोटा बचा अब उसमें आग लग गई आग लगने से बड़े वेजिटेशन हट के छोटे वेजिटेशन हो गए अब उसमें क्या होगा बहुत अधिक कुछ समय बाद बारिश होगी अब पूरी पूरी सॉइल एक्सपोज है उस सॉइल में पानी सेचुर जाएगा पानी सेच्यट हो जाएगा और फिर क्या होगा कि है ना कि वो जब भी मौका मिलेगा अगर पूरा पानी में सॉय सॉइल जो है वो सब पूरा पानी प्रेजेंट है तो धीरे धीरे वही सॉइल नीचे

राइजिंग सी लेवल कैसे हो सकता है ये फैक्टर्स उस लैंडस्लाइड वाले चैप्टर में एन में नहीं दिया हुआ क्योंकि ये सब आपके रिसर्च के ऊपर हाँ ये जरूर है रेनफॉल और जो हमारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वो सारे पॉइंट्स आपके रहते हैं तो यह ऐसे टॉपिक्स निकल कर आते हैं और प्रश्न जो है वो आपके लिए जो है फ्रेम होते हैं तो वाइल्ड फाइट्स कैन डिस्टेबलाइजिंग वेजिटेशन एंड राइजिंग सी लेवल डिस्टेबलाइज स्लोप तो अगर स्लोप का डिस्टेबलाइजेशन आपका होगा तो ये आप कंटिन्यूस बेसिस में देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ लैंड स्लाइड ठीक है लैंड स्लाइड तो इस साल मेंस के अंदर दो प्रश्न थे आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके रिलेटेड विथ लैंड स्लाइड और ये सोर्स में अगर आपके देखोगे तो तीन पॉइंट्स आपके निकल कर आ गए रिलेटेड विद लैंड ठीक है नेक्स्ट देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब भी कोई प्रश्न आता है तो ये जीएस पेपर थ्री में भी आप एग्जाम्पल के रूप में, इस में इसमें इस्तेमाल कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इथाका ये देखो इथा मतलब एप्लीकेशन है ए का एप्लीकेशन है अब जैसे अगर आप देखोगे तो आ, एक प्रश्न आया था कि आ, आ, जैसे मान लो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में पूछ लिया अब मान लो यहाँ पे पूछा कि एआई का इस्तेमाल कल्चर के अंदर क्या हो सकता है कल्चर के प्रिजर्वेशन के अंदर क्या हो सकता है ये टॉपिक आपको निकाल कर कल्चर आप पढ़ते हो जीएस वन के अंदर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप पढ़ते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अब यहाँ पे आपको मान लो कुछ पॉइंट्स आप निकाल के कुछ लिख भी देते हो लेकिन आप एग्जांपल कोट कर दिया कि देखो इथाका करके एक जो एक आप आपने डेवलप किया है इसमें क्या है कि जो पुराने इंस्क्रिप्शंस हैं एंशंट इंक्रिप्शन है अब उसमें क्या हर चीज़ दिखती तो है नहीं है तो मान लो कुछ लिखा हुआ मान लो ये ऐसे 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 लिखा हुआ है फिर ये गायब हो गया फिर ऐसे ऐसे लिखा हुआ है फिर गायब हो गया तो ये क्या गायब है फिल इन द ब्लैंक्स जो बचा हुआ है इसको इस इथाका के माध्यम से इसको फिल किया जा सकता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो सकता है सो so ये जो एग्जिस्टिंग इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें जो गैप्स हैं उन गैप्स को फिल करने में ये जो ए है इसका इस्तेमाल हो सकता है तो पास्ट के अंदर भी हमारे बहुत से ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो बहुत अच्छी कंडीशंस में नहीं है आखिर में उसमें क्या नॉलेज जो है मैंशनड है उस नॉलेज को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाई यूजिंग आर्टिफिशियल तो इस तरीके से इट कैन हेल्प इन कल्चर प्रिजर्वेशन कल्चर का जो प्रिजर्वेशन है उसमें मदद कर सकते हो तो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प इन कल्चर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ये ऐसा आपको एप्लीकेशन सीखना है मतलब इस तरीके के प्रश्न जो है वो निकल कर आते हैं है ना और इसी को फिर हम कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया इसलिए थोड़ा सा देखना है कि कैसे कैसे, कैसे चीज़ें पूछी जा सकती है और कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने स्टैटिक को अच्छा करना चाहिए हमेशा से अभी आपको जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है क्या नॉर्मल एप्लीकेशन वो आपको पता होना चाहिए वो आपको पढ़ लेना चाहिए कहीं से भी नोट्स और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं सो आज के लिए इतना ही इसका पी मैं आपसे शेयर कर दूंगा ठीक है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और उसी लिंक से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ से ही आपको जिसमें लिखा पोस्ट और आंसर उसमें लिंक में ही आपको जो पूरा पी इसका मिलेगा तो उसको आप कर लेना डाउनलोड जो है आ, कर लेना प्रॉपर पीडीएफ होता है तो उसको बस आपको करना कुछ नहीं है डाउनलोड करके चाहे प्रिंट ले लो चाहे लैपटॉप में सेव कर लो हमेशा जब सेशन देख रहे हो तो से, सेशन को देखते वक्त ही अपने नोट्स बना लो डिपेंडेंसी पी में आपको रिड्यूस करनी चाहिए बट जो डिपेंडेंट है जैसे ई नोट्स और ये सब बनाना होता है तो वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा थैंक यू एवरीओन थैंक यू